जून 1994 व्यक्तित्व विकास शिविर कोटा में श्री प्रवचन सार गाथा 80 पर प्रवचन क्रमांक 2। ये प्रवचन सार परमागम की 80वीं गाथा है, क्योंकि हम जैन दर्शन और व्यक्तित्व विकास शिविर की पावन गंगा में स्नान कर रहे हैं। गाथा भी हम उसी के लायक चुनना चाहते हैं कि जिससे हम और अधिक उस गंगा में डूब सकें, अपने आप को तन्मय कर सकें। गाथा का प्रारंभ तो बहुत सामान्य ढंग से हुआ। भगवान अरहंत के स्वरूप को जानने से गाथा का प्रारंभ होता है, लेकिन अरहंत के स्वरूप को जानना वो हमारे ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व लाता है और क्या परिणाम उसका होना चाहिए। जीवन में अरहंत के स्वरूप का ज्ञान किस रूप में प्रतिबिंबित होता है, ये गाथा की पाताली गंभीरता है। सचमुच बहुत सरलता से प्रारंभ होकर गाथा पाताल तक पहुंची, अध्यात्म के पाताल तक। अरहंत पुरुष कैसे होते हैं, उनके स्वरूप को तो प्रायः बच्चों से लेकर बड़ों तक सब सुनते हैं, जानते हैं, पाठमालाओं में भी अरहंत का स्वरूप आता है और बड़े बड़े ग्रंथों में भी अरहंतों की कीर्ति बड़े विस्तार से गाई गई है। तो कैसे पुरुष होते हैं अरहंत, और उन अरहंतों को जानने वाला जो पुरुष है, हम जैसे लोग, वे कैसे होने चाहिए। सीधी सी बात ऐसी है कि देव कैसा हो और पुजारी कैसा हो। अरहंत देव तो परम पवित्र होते हैं, चार अनंत निधियां उनके पास हैं, जगत के सबसे बड़े धनवान होते हैं। अनंत चतुष्टय की चार निधियां जिनके पास हैं, वो जगत का सबसे बड़ा धनी पुरुष है। और शेष सब कंगाल है। अपने वो धनी मानने का दंभ करना, वो अपनी कंगाली पर गर्व करना है। तो अरहंत को जानने वाला पुरुष कैसा होना चाहिए, ये इस गाथा में समाहित है बात। क्योंकि जिसने अरहंत को जाना, उसके जीवन में कैसा काया पलट होता है, ये बात तो इसमें बताई। लेकिन उस पुरुष की जो प्रारंभिक भूमिका है अरहंत को जानने वाले की, उसके जीवन में विशुद्धता का जो उत्तरदायित्व है, वो निभता है या नहीं, और वो सचमुच अरहंत को जानकर भी अरहंत को जानता है या नहीं, ये सब कुछ उस विशुद्धि पर निर्भर करता है। चर्चा तो हमने कई बार की है
लेकिन गाथाओं का अनुरोध भी यह रहता है कि हम पुनः पुनः उस चर्चा को लाएं और करें, जिससे हम उस गाथा में प्रवेश करने के योग्य, उस गाथा के भाव को आत्मसात करने योग्य बन सकें। मैंने हमारा जो लोक जीवन है वो कैसा होना चाहिए, अरंत को जानने वाले की चर्चा है। अरंत के अतिरिक्त भी जो दूसरे को जानता है वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। ये सब जानने का क्या है, जानने में तो जानना तो पड़ेगा ना। ये जानने से तात्पर्य या अरहंत को जानकर अरहंत के प्रति जिसमें भक्ति का ज्वार आता है, उस भक्ति के ज्वार पूर्वक जो अरहंत के स्वरूप को जानता है वह पात्र है। और हम इन पुरुष को तो जानते नहीं और औरों को जानते हैं, तो औरों को जानते हैं तो औरों के प्रति ही भक्ति भी प्रवर्तित होती है, उनके लिए तो ये गाथा है ही नहीं। यहाँ तो जैसे अरहंत हैं वैसी उनकी वाणी है, और ठीक अरहंत जैसे ही गुरु होते हैं। गुरुओं को तो और भी आगे जाकर बिठाया है, चलते फिरते सिद्ध गुरु। कि सिद्धों का स्वरूप यदि किसी के ज्ञान में न आता हो तो निरंतर अपने स्वरूप सौंदर्य में रमण करने वाले जो भावलिंगी दिगंबर संत हैं चलते फिरते, उनको देखो, वे जो करते हैं सिद्ध भी वही करते, और सिद्ध जो करते हैं वही वे करते। तो भावलिंगी संत तो और बहुत से काम करते हैं, आहार विहार आदि सिद्ध भी करते हैं क्या, आहार विहार आदि, कि ये हमारी आंखों का पीलिया है। भावलिंगी संत आहार विहार आदि करते हुए दिखाई तो देते हैं पर सचमुच वे करते नहीं। उन्होंने आहार विहार को चैतन्य की कक्षा से ही बहिष्कृत कर दिया बहुत पहले। तो उन्होंने आहार विहार कैसे किया, जो उसको बहिष्कृत कर चुके हैं अपने जीवन से, करते हुए दिखाई देने पर भी तो वे सचमुच उसको करते ही नहीं। जिस समय कोई बहुत बड़ी चिंता हो और हम व्यंजनों की थाली पर बैठें और खा भी लें, तो पत्नी से पूछा जाए कि उन्होंने खाना खा लिया क्या, तो क्या उत्तर मिलता है, क्या खाना, उनका चित्त ही नहीं है आज, उनको तो बड़ी भारी चिंता बसी है, तो खाना न खाना बराबर है। उसी प्रकार जिनका चित्त एकमात्र शुद्ध चैतन्य में बसा है कि जो अपने पास ही है, अपने भीतर ही है, एक रूप रहने वाला सदा, और अमृत से जो लथपथ है, एकदम माधुर्य है जिसमें, सब कुछ है उसमें। जैसे हम पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण की जो ऊंचाइयां ढूंढा करते हैं और उन पर आकर्षित होते हैं, तो ऐसे सारे अमूर्त गुण आत्मा में हैं। आत्मा मीठा भी है, आत्मा स्वादिष्ट भी है, आत्मा सुगंधित भी है, मैंने क्या नहीं है आत्मा में, लेकिन वो मिठास, वो सुगंध, वो कुछ विलक्षण प्रकार की है, अन्य प्रकार की है,
मैंने ये जो जिनके साथ हमारा संपर्क होता है उनका तो नाश हो जाता है, उनसे तो हम थक जाते हैं, वो तो बीत जाती है या हम बीत जाते हैं, दोनों में से कुछ होता ही है। या तो खाना बीत जाए या खाने वाला बीत जाए कि अब नहीं भाता, अब नहीं खाया जाता। लेकिन यह एक ऐसी मिठास, ऐसा व्यंजन आत्मा के भीतर है कि जिसको खाने वाला कभी बीतता नहीं और खाना भी कभी बीतता नहीं। ऐसे भगवान अरहंत और सिद्ध परमात्मा होते हैं। यहाँ चर्चा अरहंतों की है क्योंकि हमारा सबसे पहला संपर्क अरहंतों से होता है। इसको पढ़ते समय हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सिद्धों का नाम क्यों नहीं लिया, ध्येय तो सिद्ध हैं, वो भी एक व्यवहार है बात। अरहंत का जो स्वरूप है तो वो थोड़े ही ध्यान करने लायक है क्योंकि उनमें तो कुछ कमियां भी कही जाती हैं, लेकिन सिद्ध परिपूर्ण है तो सिद्धों का स्वरूप ध्यान करने योग्य कहा गया है अपने स्वरूप के ध्यान के लिए। लेकिन बात अरहंत की है, ये विशेषता है इसमें, क्योंकि अरहंतों से ही हमारा प्रथम संपर्क होता है और अरहंतों से संपर्क होते ही जो काम हो जाए तो उसके लिए सिद्धों को क्यों बुलाया जाए, उनसे तो फिर और बड़ा काम हम करेंगे। लेकिन यहां तो संपर्क अरहंत से हुआ कि वह जीव सम्यक दृष्टि होकर उसे शुद्धात्मा का संवेदन करता हुआ आनंद की घूंटें पीने लगता है। ये अरहंत को जानने का फल है। यहां पर कुछ तोलमोल की भी है बात कि सभी अरहंत को जानने वाले बैठे हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन कर लें, ये मूल्यांकन कर लें अपना कि सचमुच अरहंत को जान भी पाए या नहीं। क्योंकि अरहंत को जानने वाले का मोह निश्चित क्षीण होता है, ये लिखा है इसमें। और यदि मोह क्षीण नहीं हुआ तो फिर अरहंत जाने नहीं गए, तो फिर क्या जाने हैं? तो अरहंत जाने नहीं गए, आप ऐसी बात करते हैं। अरहंत तो घर बैठे भी जाने जा सकते हैं, लेकिन हम तो अरहंत के रोजाना रोजाना छूते हैं, उनको नहलाते हैं, अरहंत को रोजाना उनका प्रक्षालन, उनके चरण छूना 20 बार, कोई एक बार से धापता नहीं है, भगवान के चरण छूता छूता तो वो 20 बार छुएगा भगवान के चरण, क्योंकि वो भक्ति की एक ऐसी मिथ्या वासना रहती है जीव को कि मैं जितनी बार छूऊंगा उतना ही पवित्र होऊंगा। बात तो कड़वी लगेगी सुनने में, लेकिन सच्चाई है इसमें कि वो बार बार इतना क्यों झुकता है, क्यों करता है इतना? झुकना तो चाहिए ही चाहिए, झुक ही जाएगा वो, झुकना क्या चाहिए? जहां गुणाधिक के देखेगा, गुणों की अधिकता देखता है तो वो झुक ही जाता है। तो भक्ति तो यहाँ स्वाभाविक ही आ जाती है, भक्ति से शुरू नहीं किया। एक मुख्य बात ये इसमें ध्यान देने लायक, जो अरहंत को जानता है ये लिखा है, जो अरहंत की भक्ति करता है वो नहीं लिखा है। तो अरहंत की भक्ति शामिल नहीं है इसमें कि सचमुच तो अरहंत का संपर्क होने पर कुल परंपरा से ही अरहंत की कुछ भक्ति तो जागृत हो जाती है, लेकिन जब अरहंत का स्वरूप जाना जाता है तो उसके साथ ही भक्ति सागर जैसी उछलती है। लेकिन वो भक्ति ये काम नहीं करती, अरहंत के स्वरूप का ज्ञान जो काम करता है, अरहंत की भक्ति वो काम नहीं करती।
और भक्ति साथ में होती ये अनिवार्य है। अनंत की भक्ति ही नहीं है तो अनंत का ज्ञान सुख है और उससे मोह का क्षय नहीं होगा। तो एक तो क्योंकि यह एक प्रश्न है कि जब हम अनंत भगवान से नित्य संपर्क करते हैं, उनकी प्रतिमा से करते हैं, मैंने उनसे ही करते हैं क्योंकि उनमें और प्रतिमा में कोई अंतर नहीं है। जो काम साक्षात भगवान अनंत से होता है वही भगवान की प्रतिमा से भी होता है। यहां तो प्रतिमा की भी चर्चा नहीं है कि भगवान अनंत को आप मंदिर में प्रतिमा के सामने आकर जाने, वो नहीं है बात। यहां जंगल में जाने ना, घर के एक कोने में बैठकर जाने, उनके सामने आकर उनके सामने झुककर ही जाने, वो बात यहां नहीं कहते। लेकिन हमें तो ये योग मिल ही गया है अरहंत का, तो काम जल्दी होना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि न तो भक्ति पैदा हुई है और न ज्ञान पैदा हुआ, भक्ति भी नहीं हुई। सच्ची भक्ति में तो जो भक्ति करने वाला है वो भगवान अरहंत के साथ अद्वैत हो जाता है। जैसे निश्चय भक्ति अद्वैत होती है शुद्धात्मा के साथ, उसी तरह ये अनंत भक्ति जिसे व्यवहार भक्ति कहते हैं ये भी अद्वैत होती है, ये इसकी पराकाष्ठा है। अर्थात उसको ये पता नहीं रहता, ये विकल्प नहीं रहता कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान है और मैं भक्त हूं, ये विकल्प भी भूल जाता है, ये विकल्प भी भूल जाता है और अनंत को अपने में आत्मसात कर लेता। इतना तक आया है आगम में तो कि अनंत की भक्ति में मैं तो अनंत के साथ एकमेक हो गया और अनंत मेरे साथ एकमेक हो गए। अब अर्घ किसको चढ़ाऊं और कौन चढ़ाए अर्घ? ये बातें गहरी हैं, ये काफी एकाग्रता से और ऊंचाई पर जाकर सुनने की है। निम्न कोटि के लोग जो इसका अर्थ ये निकालते हों कि अनंत को अर्घ चढ़ाने का भी निषेध किया जाता है, वो पामर और पापी हैं सभा में। कि जहां इतनी ऊंचाई से बात की जा रही हो कि अनंत की भक्ति में ना अनंत के साथ एक में एक अद्वैत हो जाना, दूसरी जगह तो भक्ति ही अंतिम चीज है, यहां तो भक्ति के साथ ज्ञान है, ज्ञान की मशाल जलती है उसमें भक्ति होती है और वो मर्यादित रहती है, अन्यथा मर्यादाएं टूट जाती हैं भक्ति में। अगर ज्ञान का आलोक ना हो तो व्यवहार की मर्यादा टूट जाएगी, टूट जाती है ना। जैसे सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि के लायक सम्मान होता है, उसको कोई मुनियों की तरह नमस्कार और पूजा तो नहीं होती। लेकिन जिसमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सम्यक दृष्टि को ही सिंहासन पर बिठा के उस पर उसको अर्घ चढ़ाने लगता है। मूर्ख है वो, अविवेक साहब। वो भक्ति है, यहां भी पहुंच जाए, भक्ति का क्या है, क्या करें भक्ति का। ये तो सही है बात कि भक्ति सदा ही असीम होती है, उसकी सीमा नहीं होती भक्ति की। तो फिर असीम होती है तो ये इनकार क्यों किया जाता है कि हमने सम्यक दृष्टि की पूजा कर ली और उसको अर्घ चढ़ा दिए? कि उसकी इनकार इसलिए है क्योंकि वहां विवेक जागृत और वो विवेक उस भक्ति को सीमित और मर्यादित रखता है। वो जानता है कि यहाँ आदर तो होता है लेकिन वो आदर उसी के योग्य होता है और स्वाभाविक होता है, कितना करूं ऐसा नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि है तो इनका कितना आदर करूं, ये मूर्खता है। लेकिन सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन के स्वरूप को जिसने जाना
तो उसको सम्मान उसी के लायक अपने आप स्वाभाविक होता है। मुनिराज को देख कर यह होता है कितनी भक्ति करें मुनिराज, अनंत परमात्मा ही कितनी करें, सबकी असीम ही होती है, लेकिन विवेक उसको सीमित कर देता है। स्वाभाविक है ये बात, और इसीलिए मर्यादाएं आज टूटी हैं। कई तो अरंत की क्या चर्चा करें, जो अरंतों के पास दूसरों को बिठा देते हैं उनकी तो बात ही नहीं आ रही, अलग भगवान अरंत भी बैठे हैं और भगवान अरंत के विरोधी भी बैठे हैं साथ, और हमारी पूजा दोनों को एक साथ चल रही है, शादी विवाह उसी में हो रहे हैं कि भगवान अरंत को भी न्योता दे दिया और उन दूसरों को भी दे दिया। कैसे ये सेटिंग कैसे हो, पर हम तो कर लेते हैं, हो जाता तो वो तो बात है ही नहीं यहाँ। ये तो बीच में एक दो लाइन मैंने बोल दी है कि ऐसे लोगों को तो सभा में बैठना ही नहीं चाहिए, मैंने उनकी तो चर्चा ही नहीं है यहाँ, कि जिनकी अरंत में एकांत भक्ति नहीं है और जिनके का चित्त भी खाली है थोड़ा, अरंत तो हैं लेकिन और भी हैं, बहुत हैं, बहुत चमत्कार वाले। अरंत में तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखता है, खाली बोलते हैं इतना तो देखा हमने सुना, बाकी और कोई चमत्कार ऐसा दिखता नहीं है अरंत में। पर अरंत में वहाँ जो चमत्कार होते हैं उसको भी लोग जानते हैं, अपने आप ही होते हैं वो, कोई अरंत तो करते नहीं। जो अपने आप ही हो तो अरंत क्यों करेंगे, होते हैं, लेकिन उन चमत्कारों से सचमुच आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसलिए चमत्कारों पर रीझ कर जो किसी को भगवान अरंत से भी अधिक प्रतिष्ठा देता है वो तो महापापी है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जिसको कहा। तो क्या द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं है कि यदि इसको द्वेष में शामिल कर लिया जाएगा तो जगत में सत्य नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये द्वेष नहीं है, यह तो पूज्य और अपूज्य के स्वरूप का परिज्ञान है। जैन दर्शन ये कभी नहीं कहता कि अरंत के अतिरिक्त जो अन्य हैं, दूसरे देव हैं अन्य, उनके साथ तुम द्वेष करो, उनको गाली दो, घृणा करो, ये तो कहा ही नहीं। वहां तो कहा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो विपरीत वृत्ति वाले अर्थात जो वितरकता को जानते ही नहीं और वितरकता के विरोधी हैं, ऐसे जीवों के प्रति, ऐसे पुरुषों के प्रति, ऐसे देव हों भले ही वो कहे जाने वाले, साधु हों भले ही, उनके प्रति हमारा माध्यस्थ भाव अर्थात वितराग भाव, द्वेष बिल्कुल नहीं होता है। क्यों, कई बार ऐसे धर्म संकट होते हैं पैदा कि जब हम अपना व्यवहार अधिक बढ़ा लेते हैं तब संकट में पड़ते हैं, और जीव को व्यवहार बढ़ाने की तो आदत है, किसी भी बहाने वो अपना व्यवहार बढ़ाता है, व्यवहार बढ़ाता है, मैंने संसार कीच में फंसता है वो, क्यों उसमें निश्चित धर्म का घात होता है। इसलिए व्यवहार को तो घटाना, कम से कम करना, और रखना तो ऐसों के साथ रखना कि जिससे हमारे निश्चय धर्म की वृद्धि हो, वार्ता भी हो तो ऐसी हो, पास में संपर्क होने पर, मिलने पर वार्ता हो तो ऐसी हो कि जिसमें केवल चैतन्य का ही यशोगान हो, उस तत्व की चर्चा हो, अथवा सच्चे देवादि का स्वरूप हम सोचें विचारें, उनकी भक्ति करें, यह तो है बात। लेकिन जब अन्य लोगों के साथ हम ये बात कर लेते हैं और इतने अधिक उनके अधीन भी होते हैं ना, व्यवहार निभाने में व्यवसाय हो कदाचित उससे बहुत चलता हो, अब वो तो यही कहता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ है, भगवान ने जो किया वो सब ठीक है, अब ये उत्तर ही नहीं दे पाता है। ये यूं कह दे कि भगवान भगवान नहीं होता है तो वो सारा व्यवहार टूटता है, और फिर उसके यहां कोई जलसा होता है ग्रहित मिथ्यात्व का, कोई पूनम और 11 मंती है
और कोई पाठ वाठ सत्यनारायण का किसी का भी, फिर वो नहीं निभाना पड़ेगा। स्त्रियां हों तो उनको वहां भक्ति में भी शामिल होना पड़ेगा, पुरुषों को भोजन में शामिल। क्या है अपने वहां भोजन करे तो क्या फर्क पड़ गया? और गाली है गीत तो उसमें क्या, जैसे भगवान अरंत के गाते हैं वैसे उनकी भी गाली है। ये व्यवहार बढ़ाने से के परिणाम है, इसलिए व्यवहार तो कम से कम करना, भले ही हमारा व्यवसाय टूट जाए, आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, एक बार खाने का नंबर आ जाए। और यदि सचमुच धर्म निभता ही ना हो तो वो स्थान भी छोड़ दिया जाए, व्यवसाय भी छोड़ दिया जाए। इतना विसर्जन यदि हो तो भगवान अनंत हमारे भीतर उतर सकते है। इतना विसर्जन होता है, इतना विसर्जन। और हम, हमारी मूर्खता इतनी है कि कभी ऐसे अवसर आते हैं तो उन अवसरों में हम जवाब देते हैं कि साहब ऐसा है कि हम तो जैनी हैं, हम मानते नहीं हैं इनको, तो ये तेने और अच्छा किया कि एक दुश्मनी तूने और बढ़ाई। अरे पर इसका तो उत्तर और भी हो सकता था भाई। असल में कहना ये चाहिए कि जैसे आपसे हमारा काम चलता है तो हम किसी दूसरे ग्राहक को क्यों आवाज देंगे, जब आपसे ही हमारा इतना काम चलता है व्यवसाय में, तो इसी तरह हमको तो केवल एक देवता ऐसा मिल गया है कि जिससे हमारा सारा काम चलता है, इसलिए हम दूसरे किसी देवता से परिचय बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि देवताओं से परिचय करना बड़ा संकट भरा है। किस किस को मनाएं ये रूठते बहुत हैं, इसलिए हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम तो एक से ही हमारा काम चल रहा है, भले ही वो छोटा सा हो, कोई झगड़ा नहीं है हमारे, लेकिन हमारा तो जब भी कोई काम पड़ता है तो उन देवका के पास चले जाते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं और हमारा लौकिक और लोकोत्तर सारे काम हमारे हो जाते हैं। इसलिए हम देवों से अधिक परिचय नहीं बना। तो ये कितना बढ़िया उत्तर है, इसमें वो नाराज नहीं होगा कि जैसे आप अपने देव की उपासना करते हैं और आपका काम चलता है, इसी तरह हमने भी एक टटोल रखे हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, और उनसे हमारा सारा काम चलता है, इसलिए हमें अन्य की आवश्यकता नहीं। नगर में चाहे कितने ही करोड़पति हों, लेकिन अपना तो एक सामान्य व्यवसायी से जब भी हमें चाहिए कि आज भाई मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए, ले जाओ ना, क्या है तुम्हारे, तुमको देने में क्या बात, ले जाओ। तब कोई कहे कि तुम ऐसे आदमी के यहाँ से जाते हो, देखो मैं तुमको ले चलता हूँ। एक जो है अरबपति है अपने यहाँ नगर में, वहाँ ले चलता हूँ, तू कहेगा मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम चलता है बराबर, मैं अरबपति को क्या करूँगा, मेरे तो अरबपति से वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरा रुका ही नहीं आज तक काम, इसलिए मैं नए से क्यों परिचय करूँ। तो हमारा सारा ही धंधा घर का और बाहर का वो केवल एक देव की उपासना से और उनके परिचय से चलता है, तो हम औरों का क्यों, और तो क्या उत्तर देंगे लोग, सीधा से ही देंगे साहब हम जो है दिगंबर हैं, ये वैर मत बढ़ाओ, ये अच्छी नहीं है बात। तो क्या उत्तर होना चाहिए, कि उत्तर ये होना चाहिए कि हमारा इनके परिचय ही नहीं है, और परिचय न होने पर भी जो प्रणाम करता है वो तो लोक में भी मूर्ख गिना जाता है। जैसे एक व्यक्ति यहां मंदिर से निकले और बाजार में होकर अपने घर जाए, तो जो भी रास्ते में मिले वो सबसे ही जय जनेन्द्र साहब, जय जनेन्द्र साहब, जय जनेन्द्र, तो उसको क्या कहेंगे कि इसको जल्दी ले जाओ मेंटल हॉस्पिटल। तो मूर्ख है जिससे अपना परिचय नहीं कभी, वो अपने से राम राम और जय जनेन्द्र क्या करता है, इसका दिमाग फिर गया लगता है। ये सीधा सा उत्तर है कि हमारी पहचान ही नहीं इनसे, इनकी क्या विशेषताएं हैं क्या नहीं, और हमें करना भी नहीं, हम ज्यादा पहचान बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है।
हमारा तो एक एक क्षण व्यस्त है। बस इतने सीधे जवाब और सीधे उत्तर होते हैं तो उसमें लोक व्यवहार भी अगर हम निभाना चाहते हैं तो कम से कम उत्तर में भी विवेक होना चाहिए और धर्म सधना चाहिए, साथ धर्म की सुरक्षा होना चाहिए। इसलिए वो तो हो ही नहीं यहाँ कि जहाँ अरंत के परिज्ञान की बात है, अरंत के स्वरूप को जानने की बात है, वहाँ हमारे चित्त का कोना कोना वो भगवान अरंत के ज्ञान और उनकी भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें किसी अन्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अरंत की तरह सिद्ध भी आ गए, ऐसा नहीं समझना कि अरंत ही आ गए तो अब सिद्ध कहाँ बैठेंगे और गुरु कहाँ बैठेंगे, वो सब उसमें शामिल है, सब आ गए। और भी बहुत सी बातें हैं, ये तो अनंत की भक्ति और अन्य से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, न प्रयोजन हमें साधना है। हमारा तो प्रयोजन सदरा है, इसलिए केवल अनंत ही पर्याप्त है। कोई ये पूछे कि आपके देव का क्या नाम है, कि अब नाम वाम से आपको क्या मतलब है, उनका तो वो तो बेनामी है बिल्कुल, कोई नाम वाम नहीं उनका, लेकिन फिर भी मिल गए हमको अनायास ही, इसलिए हमारा तो चलता है काम सारा का सारा, वरना वो अनंत को गाली देने लगे। इसलिए ज़्यादा नाम का प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं उसके भाग्य ही सीधे हों और वो हमारे परिचय में आकर प्रभावित ही हो जाए तो अपने आप ही अनंत से परिचित हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा मोह नाम के प्रचार का भी ना हो, सचमुच ना। ये तो सबसे पहले देवगुरु और धर्म के प्रति जो भक्ति है उसकी चर्चा हुई। मैंने हम जो इस गाथा की भूमिका पर आरोहण करना चाहते हैं, इसको आत्मसात करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमारी सफाई कैसी हो, ना हो सफाई। देव तो साफ है एकदम, और जो पुजारी है वो कैसा है कि वो तो बाहर और भीतर दोनों तरफ से गंदा ही गंदा है, क्या पूजा होगी, कैसी पूजा होगी। इसलिए देव यदि बिल्कुल साफ है तो पुजारी को भी उसके लायक सफाई तो होना चाहिए ना, कि जिससे कम से कम देव की पूजा तो हो सके और वो सफाई हमारे घरों में भी होना चाहिए। ये तो सफाई हुई मंदिर जैसी, तो कैसे भगवान अरंत की भक्ति हो, कैसे उनकी पूजा हो। लेकिन यदि सचमुच भगवान अरंत के स्वरूप का ज्ञान, मैंने उनके तत्व ज्ञान से यदि हमको प्रेम है तो हमारा तो सारा ही घर उसमें तत्व ज्ञान की सौरभ होना चाहिए। घर में किसी के प्रवेश करते ही उसको तत्वज्ञान की सुगंध मिले तब तो वो घर जैन का घर, अन्यथा अजैन से भी शूद्र से भी गया बीता घर है सचमुच देखा जाए। जिस परिवार में सभी लोग तत्वज्ञान से स्नेह रखने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम तो अध्यात्म की बात ज़्यादा करते हैं, तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए और वो परिवार कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना शायद हम नहीं करते। इधर तत्वज्ञान की बात करते हैं तो तत्वज्ञान की सामर्थ्य तो यह है कि वो एक को नहीं पर वो अनंत को अपने ध्वज के नीचे संगठित कर लेता है, ऐसी ताकत, इतनी शक्ति है उस तत्वज्ञान। ये क्या करेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तत्वज्ञान की ताकत यह है कि वो सारे विघटन का नाश करके और एक संगठन में अनंत जीवों को पिरो देता। ये शक्ति तत्वज्ञान की। हम संगठन की चर्चा करते हैं, समाज में संगठन कैसे हो, कैसे हो समाज में संगठन, अपने विचारों का विसर्जन कर दो, हो जाएगा समाज में संगठन, सारे जैनी जैनी एक हो जाए, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम छोड़ दो दिगंबरत,
ये कैसे होंगे वर्ण? अरे या तो श्वेतांबर अपने अपनी मान्यता को छोड़े या दिगंबर अपनी मान्यता को छोड़े, छोड़े बिना एक कैसे होंगे? विचार भेद तो रहेगा ही रहेगा, और एक करना क्यों चाहते हो जो नया नया रहे हम? झगड़ा तो एकत्व का है यहां तो जैन धर्म में सारा। जो असली एकत्व है उसमें जो निष्ठा है उसका नाम तो धर्म है, और जहां हमारा एकत्व निभ ही नहीं सकता वहां एकत्व करना, ममत्व करना, उसका नाम सबसे बड़ा अधर्म है, मिथ्या दर्शन नाम का, और वो हम करना चाहते हैं संगठन के नाम पर। तो वो संगठन करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि संगठित ही हैं। वैसे देखा जाए तो हम तो सभी के साथ सत्वेशु मैत्री का परिणाम रखते हैं, सब मित्र हैं हमारे, सारे सारा ये जीव लोक है, ये जीव लोक सिद्ध परमात्मा के समान है। हमें किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष क्यों हो? कौन हमारा बिगाड़ करता है और सुधार करता है? इस तरह उसका समाधान हो जाता है। इसलिए अनेकांत की धज्जी उड़ाना संगठन के नाम पर और एकता के नाम पर, समन्वय के नाम पर, ये सचमुच अनेकांत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अनेकांत तो जीवन के लिए है, जीवन के परिष्कार और परिमार्जन के लिए है, जीवन की शुद्ध चैतन्य की अनुभूति के लिए है और मुक्ति के लिए अनेकांत है। लेकिन इस लोक व्यवहार को संभालने के लिए और समाज में एकता स्थापित करने के लिए अनेकांत नहीं। अगर सचमुच अनेकांत का निर्वाह ही हम करना चाहते हैं तो तत्वज्ञान के नीचे आ जाएं। जैन दार्शनिक तत्वज्ञान, उसके नीचे आने पर सारे मतभेद स्वयमेव ही कपूर हो जाते, मिट जाते। मैंने उसके लिए इतना अधिक प्रयत्न किसी को करना पड़े कि बैनर बनाने पड़े और ये सभाएं करना पड़े और कोई बड़े भारी कैंप और शिविर लगाने पड़े संगठन के, ये बिल्कुल व्यर्थ का आयोजन है, झूठ है, और उसका कोई फल होने वाला नहीं। लेकिन केवल एक बात, यदि तत्वज्ञान का सही प्रचार और प्रसार व्यक्ति से लगाकर समाज तक हो जाए, और होना चाहिए, यदि हम सचमुच महावीर के, अरहंत के और दिगंबर दर्शन के पुजारी हैं, उपासक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जैन दर्शन के स्वरूप को पहचानें। और वो जैन दर्शन जिसके द्वारा प्रतिपादित है उस देव को भी हम पहचानें, ये हमारा कर्तव्य है ना। तब फिर मतभेद कौन सा रह जाएगा? संभव ही नहीं है कि कोई मतभेद रह जाए। इसलिए मतभेदों को दूर करने का यदि कोई उपाय है तो अनंत के स्वरूप का ज्ञान, उनके तत्वज्ञान का जो ज्ञान है वो वास्तव में सारे विघटन को समाप्त कर देता है। अन्यथा कितना ही प्रयत्न करो, कितना ही प्रयत्न करे अनंत काल तक भी, तो हम अनेक को एक करने की बात करते हैं लेकिन ये एक भी एक नहीं होता है, क्योंकि इस एक के अनंत मत होते, ये अनंत टुकड़ों में बटा है स्वयं। इसकी मान्यताएं जो हैं उनको हम देखें तो अनंत प्रकार की मिलती, मिथ्या। इसलिए इसके तो स्वयं ही टुकड़े हो रहे हैं एक के, ये अनेक को एक कैसे करेगा? इसलिए जिसे हम सामाजिक संगठन कहते हैं उसका अर्थ केवल इतना ऊपर का, सब हमारे भाई हैं, हमें किसी के प्रति भी कोई द्वेष बिल्कुल नहीं, सब साधर्मी, बस इतना हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जैन दार्शनिक विचारों का विसर्जन उनके सामने कर दें, ये किसी कीमत पर भी संभव नहीं, क्योंकि यहां तो तत्वज्ञान और प्राण एक ही बात है। तत्वज्ञान का विसर्जन करो अथवा प्राण का विसर्जन करो, एक ही बात। जिसने वो विसर्जन कर दिया उसके पास अब मृत काया रह गई, प्राण तो निकल गए। इसलिए परिवारों में भी यदि हमको स्वर्ग उतारना है, ये भी हल्की है बात, क्योंकि स्वर्ग में तो राग द्वेष बहुत होते हैं, जलन बहुत होती है, नाम तो स्वर्ग है उसका लेकिन वहां बुराइयां बहुत। मनुष्य तो
और जो सचमुच अरंत के नजदीक आ गया वो तो बहुत आगे बढ़ चुका है। हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, इसमें हमको शर्म आना चाहिए कि मनुष्य होकर और 8 बरस का हो अथवा 80 बरस का हो और अभी भी सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहा है। अरे अब तक तो तुझे पीछी कमंडल लेकर जंगल में होना चाहिए, तेरे अधिकार हैं ये। देवों के पास तो ये अधिकार, अधिकार अर्थात उनकी योग्यता ही नहीं, तो उनको पद कौन देगा? योग्यता के अनुसार पद मिला करते हैं ना। कोई पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, जिसने जन्म से बकरियां चराई हैं और वो प्रोफेसर और प्रिंसिपल के इंटरव्यू में जा रहा, अब वो क्या कहेगा उस इंटरव्यू में, और सफल हो जाएगा क्या? संभव ही नहीं है बात। इसलिए हमारे यहां तो सीधी बात है, बिल्कुल सीधी, कि योग्यता की का सम्मान और योग्यता की पूजा। तो मनुष्य की योग्यता और उसका अधिकार इतना है कि सम्यक दर्शन तो 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए, और यदि और अधिक कहा जाए तो उसके 48 मिनट के भीतर तो उसे मोक्ष चला जाना चाहिए। यह तो प्रथम श्रेणी की बात हुई, लेकिन ऐसा तो कम होता है। इसलिए सम्यक्त्व की बात तो हमें प्रारंभ में ही हल कर लेना चाहिए। इसमें क्या है, सीधी बात है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, चैतन्य हूं, क्योंकि देह तो पड़ा रह जाता है। स्पष्ट देखते हैं, अनेकों मुर्दे फूंक दिए हैं, देखा है हमने कि क्या हो गया है, कौन निकल गया है इसमें से। इतनी बात नहीं समझ में आती, कोई निकला जरूर है इसमें से, भले हवा ही निकली हो लेकिन निकला जरूर है इसमें, लेकिन हवा तो जानती नहीं है, तो कोई जानने वाला निकला है, ये तो आत्मा का विश्वास हुआ नहीं हो। इसलिए चैतन्य का विश्वास इस तरह हो जाता है। तो तत्वज्ञान की ताकत इतनी है कि वह तो केवल 1 करोड़ों का समाज हो, उससे क्या है, क्या कीमत है उसकी तत्वज्ञान के सामने। वह तो अनंत को भी एक धागे में पिरो लेता है और वह एक कीमती मोतियों की माला बन जाती है। पर हमारे तो परिवारों की समस्या है कि परिवार तत्वज्ञानी कहलाते हैं और एक को दूसरे की बात नहीं सुहाती। ये कैसा तत्वज्ञान है? क्या ऐसा भी होता है जिन्होंने एक तत्व धारा को स्वीकार किया है, जब उनके विचारों में भेद नहीं होता तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो तो प्रगाढ़ स्नेह में गुथे हुए सारे के सारे, उस तत्वज्ञान के स्नेह में गुथे हुए हैं वे, इसलिए उनके तो मन वचन काय तीनों ही सदुए हैं अपने आप, उनको साधना नहीं पड़ता है अलग से, मैं इससे ऐसा बोलूं, मैं इससे ऐसा कहूं, मैं इसके सामने इस तरह झुकूं, अथवा इसके संबंध में मैं ऐसा सोचूं, ये बात करनी नहीं पड़ती। लेकिन तत्वज्ञान की ताकत ही इतनी है कि वह स्वाभाविक स्नेह परिव्याप्त होता है अपने आप, स्नेह की रचना नहीं करना पड़ता है परिवारों में, पढ़ाना पड़ता हो, मीटिंग करना पड़ता हो, कि किसी को लेकर बैठना पड़ता हो, तो बच्चों की बात हो सकती है। लेकिन बड़े बड़े लोगों को यदि वे सचमुच अपने आप को तत्व के उपासक मानते हैं और यदि वहाँ स्नेह नहीं है उस घर में और परिवार में, तो वो श्मशान है। अथवा तत्वज्ञान के विरुद्ध प्रवृत्तियां जहाँ देखी जाती, वो तो लेते हैं ना अपन सम्यक दर्शन की तलहटी में, मिथ्या तो अन्याय भक्ष तो कई बार हो चुका है। ये प्रवृत्तियां अगर वहां देखी जाती हैं तत्वज्ञान के घर में, कि इधर तत्वज्ञान की चर्चा भी चल रही है तो उधर अभक्ष का सेवन भी चल रहा, सब आलू और टमाटर और कितने अभक्ष हैं, दही बड़े तो जोनारों में चलते हैं,
उसके बिना तो वो होती नहीं है, जीवन ही नहीं होती दही बड़े के बिना। और कहा जाता है पिताओं से, ये तो क्या करेंगे, बच्चे मानते ही नहीं, बच्चे नहीं मानते हैं, तो यही बात नहीं मानते या और भी नहीं मानते, कि और भी बहुत नहीं मानते हैं। तब उस समय क्या होता है कि इनका हमारे साथ झगड़ा होता है, तो इसमें भी झगड़ा कर लेते हैं ना, मैंने और बातों में तुम व्यावसायिक बातों में तुम व्यावहारिक बातों में झगड़ा करने के लिए तैयार हो, और यहां तुम कि साहब झगड़ा करें ये कोई अच्छा लगता है क्या? झगड़ा न करो लेकिन सहयोग मत करो। पहले कह दो कि यदि ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे इस उत्सव में महोत्सव में समारोह में शामिल नहीं हूं। इतना तो कर सकते हो असहयोग साहब, ये तो आप फूट डालने की बात करते हैं जिनवाणी पे बैठ के, तो फूट तो डाल ही रहे हैं, क्योंकि जब तक ये फूट पैदा नहीं होगी तब तक अब फूट होगा ही नहीं। घर हम तत्व ज्ञान का स्नेह प्रसारित करना चाहते, हम फूट नहीं डालना चाहते। सच्चाई यह है कि जहां तत्व ज्ञान की सौरभ ने प्रवेश किया तो वहां ये गंदगियां रहती ही नहीं। लेकिन एक प्रश्न हम और करते हैं, जैसा विचार न्यारे न्यारे होते हैं, अब आज का जमाना आप जानते हैं, आज तो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैंने कहा आगे तो बढ़ा है, लेकिन आगे बढ़कर उसने किया क्या है? आगे बढ़कर जो जो अधर्म नहीं होने चाहिए थे, जिनको लोग जानते भी नहीं थे, वे अधर्म और वे पाप आज होने लगे हैं, इतना आगे बढ़ा है जमाना। तो वे हमारे घरों में भी होते हैं, इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति हो तो वहां तो हमारा विवेक ही हमारे लिए शरणभूत, कि परिवार साथ नहीं देता है हमारे विचारों का, लड़के उद्दंड हैं, उच्छंकल हैं, स्वच्छंद हैं, ठीक संग में नहीं है, ये सारी बातें हो सकती हैं, प्रैक्टिकल हैं, आज के इस विषैले जमाने में ये होती हैं बातें, लेकिन होने पर भी हम किस तरह रहें वहाँ किस तरह निभें ये हमारे विवेक पर निर्भर। तत्वज्ञान तो ये कहता है कि यदि हमारे विचारों का घात होता है तो हमें वो घर और परिवार ही छोड़ देना चाहिए, पहली बात तो यह है। और यदि यह विकल्प साध्य ना हो, ना बन सकता हो, तो फिर रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल दूसरे प्रकार का हो, बहुत एकाकी, जैसे प्रतिमाधारियों की तरह। यदि इतनी कषाय हमारी विशुद्ध हो चुकी हो और प्रतिमाधारी की तरह हम रह सकें तो रह सकते। निहाल चंद जी के साथ होता था, उनकी जीवन को तो सुना है आपने, निहाल चंद जी कलकत्ता वाले जिनको सम्यक दर्शन हुआ और जो निकट ही मोक्ष जाने वाले हैं, और इस समय जो वैमानिक देवों में हैं, तो उनकी पत्नी और उनके बीच बनती नहीं थी। अब बने कैसे, एक संसार और दूसरा मोक्ष, तो कैसे बने? वो करे संसार की बात की दुकान क्यों नहीं जाते हो? और ये सवेरे से किवाड़ लगाकर ध्यान में बैठ जाते, तो चार चार घंटे में उठते, 10 बजे उसके भीतर से निकलते, बाहर जो है वो ग्राहक बैठे रहते, तो वो पत्नी झुंझलाती, बैठे रहते वहाँ क्या क्या करते हो चार चार घंटे तक, ये बैठे हैं इतनी देर से, क्या होगा इसका, घर का क्या होगा? तो वो भी परेशान, आखिर हुए ही सही कि भाई ये रोज रोज की दिक्कत। तो उन्होंने एक दिन हाथ जोड़कर ये कहा कि मुझे तो भिखारी की तरह 3 रोटी के टुकड़े रख दिया था, इससे अधिक मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता।
क्योंकि जितना कुछ मिलना है वो यदि पुण्य का स्टॉक होगा तो मिलेगा, और यदि वो स्टॉक नहीं है तो ये है वो भी चला जाए। और यही हुआ, निहाल चंद जी का में पवित्रता तो थी लेकिन पुण्य इतना नहीं था, और आज उनके लड़कों को देखो वो करोड़पति हैं कलकत्ता और बंबई। रमेश जी नाम सुना होगा और उनके भाई वगैरह। तो होता है ऐसा कि यदि ऐसी परिस्थितियां हों तो निहाल चंद जी का भी मार्ग है, और उत्तम मार्ग तो यही है कि एकाकी तत्व की साधना जैसी क्षमता यदि हमारे भीतर उत्पन्न हो गई है और हमें सत्संग कोई दिखता है देश में तो हम उस सत्संग में रहें तो सचमुच जीवन सफल हो सकता है तत्व ज्ञान की साधना से, अन्यथा बर्बाद होता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन के कुछ चित्र अपने सामने आते हैं और उनका समाधान हम किस तरह करें, बात तत्वज्ञान की है ये नहीं भूल जाना, क्योंकि ऐसे वायुमंडल में तत्वज्ञान की साधना करना बड़ा कठिन हो जाता। सच्चाई तो यह है कि यदि हम एक परिवार में रहते हैं तो भी ये तो सामान्य बात है कि परिवार में पारिवारिक स्नेह तो होना चाहिए ना। एक पिता है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, तीन में स्नेह ना हो परस्पर और सम्मान ना हो, इसमें क्या पैसा लगता है क्या होता है? लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि प्रारंभ से ही वायुमंडल नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो प्रधान तो जीव की परिणति है, उसे कैसा ही वातावरण दो लेकिन उसे तो जहाँ जाना है वहाँ जाता है। हम मंदिर लाते हैं वो भले ही मंदिर आ जाएगा, ढोक दे लेगा, लेकिन उसे डाकू बनना है तो भी डाकू ही बनेगा वो आगे जाकर। यहाँ थे ना डॉक्टर गुरुदत्ता मल, आप में से किसी को मालूम नहीं, हमें मालूम। तो उनका एक लड़का साधु बना, वो स्वयं भी साधु जैसे रहते थे, एक लड़का डाकू बना, पढ़ले सिरे का डाकू, जो नीचे की मंजिल से छलांग मारता तो तीसरी मंजिल पर पहुंचता, ऐसे जूते पहनता था स्प्रिंग वाले, और उठा लाता जिसको चाहता। तो वो तो जीव के जो संस्कार हैं, एक तो ये बात, उससे अधिक जीव का वर्तमान पुरुषार्थ। यदि वो पुरुषार्थ जीव का प्रबल है तो वे पूर्व संस्कारों पर वो पानी फेर देता है, मिट्टी कर देता है। कर्म का उदय कोई चीज नहीं है आत्मा के पुरुषार्थ और परिणामों के सामने। इसलिए हमें अधिक केंद्रित तो यहां होना चाहिए कि सचमुच हमें जीवन का निर्माण करना है तो हमारा उछलता पुरुषार्थ हो, ऐसा पुरुषार्थ हो कि जैसे पोलो के मैदान में घोड़ा उछलता हर्ष के मारे, और उस पुरुषार्थ के सामने पूर्व का संस्कार और कर्म का उदय कोई चीज नहीं। पूर्व का संस्कार इतना काम कर सकता है कि यदि कोई तिरंच गति में किसी को जाना है तो वो तिरंच बनेगा निश्चित। तो तिरंच बन जाने पर भी उसको योग मिल जाता है, और उस योग के मिलने पर भी वो अपने पुरुषार्थ को जागृत करता है, तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है अपनी सारी वृत्तियों को, और अपने संपूर्ण आत्मा को तत्वज्ञान मय कर लेता है। ये उसके पुरुषार्थ पर ही, उद्यम पर ही निर्भर है। लोक की जितनी ये घटनाएं हैं या जितनी बातें हैं वो तो आत्मा की सीमा के बाहर की बातें हैं, वहां तो केवल कही जाती है मैंने इतना कमाया, इतना खोया, ये किया। इसे केवल कहने मात्र से अधिक इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कमाया हो और खोया हो। एक भी घटना ऐसी घटी नहीं कि जिसने दुकान चलाई हो और आदमी कहता है मैं चलाता हूँ, अव्वल तो वो चलती नहीं है जहाँ की जहाँ रहती है, फिर भी ये कहता है कि मैं तो चलाता हूँ, और चलता यह है। लेकिन जो कुछ भी है ये बात मात्र कहने की है, और इस रहस्य का पता हमें तब चल सकता है
कि जब हमारा प्रवेश इस महान जैन दर्शन में, जगत के सर्वोत्कृष्ट दर्शन में, यदि सचमुच हमारा ज्ञान प्रवेश करे तो ये पता लग सकता है कि हमारा कोई उद्यम आत्मा के सिवाय जगत के किसी काम में न तो आज तक चला है, 1% भी नहीं चला है, और न कभी अनंत काल में चलने वाला। तो दुकान बंद कर दें, ये प्रश्न फिर हो, चौके बंद कर दें कि फिर तुम वहीं आगे हो अपनी पुरानी आदत पर। हम कहते हैं ये चलाना और बंद करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, जो अपने आप ही चलता है उसे चलाने वाला मूर्ख है। दुकान अपने आप चलती है, चौका अपने आप चलता है, ये सब अपने आप चलते हैं। और यदि चलाने की हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल करके देख लें, कौन नहीं चाहता है कि दुकान अच्छी चले? तो साहब मेहनत में कसर रह जाती होगी कि हम माल से भी अधिक, कौन अधिक मेहनत करता है? तो मेहनत और पैसे का कोई तोल मोल, कोई अनुपात आज तक हुआ नहीं। इसलिए और अंत में तो ये तो जैन दर्शन है, दूसरे दर्शनों में भी कह दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। राम मन भाग्य, अजगर को बिना कुछ किए ही मिलता है, पंछियों को मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, वो भी इतना विश्वास रखते हैं कि चोंच मिली है तो चूगा भी मिलेगा, क्या है। लेकिन मनुष्य को ये मनुष्य ने ये विश्वास और जैन होकर ये विश्वास खोया, इसलिए वो रात और दिन इतना आर्थिक हो गया है कि उसी उसी में लगा रहता है, रात और दिन, रात को भी लगा रहता है, रात को भी दुकान खुलती है, ऐसा नहीं है कि रात को बंद हो जाती है। रात को सपने में अनेक दुकानें खुलती हैं, क्योंकि और खुलेगा ही क्या, जो सदा खुला हुआ है वही तो खुलेगा। तो ये सब 24 घंटे होता है, लेकिन ये जो दिन का व्यवसाय है ये भी रात के स्वप्न के समान ही समझना चाहिए। जैसे रात का स्वप्न केवल एक जागरण में बिल्कुल झूठा हो जाता है, उसी प्रकार ये प्रैक्टिकल जो दिखाई देता है ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इसके पीछे भी केवल दैव काम करता है। हमारा स्टॉक पुण्य का संचय यदि है तो वो काम करता है, हमारी मेहनत काम नहीं करती है। इसलिए कहते हैं आचार्य कि अपनी सारी मेहनत को इस तत्व ज्ञान में लगा दो तो निहाल हो जाओगे, फिर ये दुकानें वुकानें खोलने के धंधे अधिक लंबे नहीं चलेंगे। इस तरह तत्व ज्ञान का बहुत महात्म्य है, और आगे चर्चा बहुत करना है। अभी बुरी किसी को लगती हो तो बोल देना।